नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। महबूब देश, शाम के 4 बज गए हैं। 4 बड़ी खबरों पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले 4 बजे की 40 खबरों पर नजर डालते हैं। भारत मंडपम में बीजेपी अधिवेशन के समापन पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले थर्ड टर्म में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बीजेपी अधिवेशन में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार तुष्टिकरण की जननी, बोले दुनिया जानती है आएगा तो मोदी। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव किया पेश, एक बार फिर मोदी सरकार का दिया नारा। बीजेपी अधिवेशन में पेश हुए राम मंदिर प्रस्ताव पर जेपी नड्डा, बोले हमने राम मंदिर का संकल्प किया पूरा, पूरे देश ने 22 जनवरी को मनाया राम उत्सव। अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, इंडी गठबंधन को बताया सात परिवार का गठजोड़। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा, अभी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे नड्डा, अधिवेशन में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। अमित शाह के परिवारवाद वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सुरेंद्र राजपूत ने कहा अमित शाह कभी अपने बेटे की तरफ भी देखते हैं। मोदी सरकार का चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च, दोहराया फिर एक बार मोदी सरकार, अलग अलग भाषाओं में जारी हुआ सॉन्ग। 20 फरवरी जम्मू जाएंगे पीएम मोदी, मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली करेंगे पीएम, कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। झारखंड कांग्रेस के 8 नाराज विधायकों ने दिल्ली में डरा डेरा, चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात। मनीष तिवारी के बीजेपी में जाने की अटकलें, एबीपी से बातचीत में मनीष तिवारी के सूत्रों ने बीजेपी में जाने का किया खंडन, कहा बिल्कुल हास्यास्पद। कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर पूर्व सीएम कमलनाथ, बोले मेरी कहीं बात नहीं हुई। दिग्विजय सिंह का बयान, बोले ईडी आईटी और सीबीआई के दबाव में है कमलनाथ, उन्हें नहीं लगता पार्टी छोड़ेंगे कमलनाथ। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया, लिखा कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे न खुले थे न खुले। संजय राउत के कमलनाथ को बताया कायर और डरपोक, का बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर पाला बदल रहे हैं कमलनाथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंचेगी, बेरोजगार युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल, कल यात्रा में शामिल हुई थी पल्लवी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, मौजूदा विधायकों को लोकसभा में चुनावी मैदान में उतारने की अटकलें। किसान नेता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का पीएम मोदी से आशा, आज पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की उम्मीद। पटियाला में बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसानों का धरना जारी, बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सुनील जाखड़ के घर बाहर किसानों ने डाला डेरा। किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद, कल रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में बोले राकेश टिकैत, 26 और 27 फरवरी को हाईवे पर होगा ट्रैक्टर मार्च। शंभू बॉर्डर पर किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात, हाईटेक उपकरणों से लैस दिखे जवान। संदेश खाली पर नहीं थम रही सियासत, आज सिलीगुड़ी में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संदेश खाली पहुंची टीएमसी की जांच टीम, ममता सरकार के 3 मंत्री शामिल, पीड़ित लोगों से कर रहे हैं बातचीत। संदेश खाली मामले में आरोपी शिवू हाजरा की बसीरहार कोर्ट में पेशी, अदालत ने 8 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, गड़बड़ी करने के आरोप में कई लोग गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में लापता महिला की मौत पर बवाल, पुलिस और गुस्साए लोगों के बीच हुई फायरिंग, कई लोग घायल। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में लगाया दोहरा शतक, 231 गेंद में पूरे किए 200 रन। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बर्फबारी के चलते आवाजाही बंद। कुपवाड़ा के माछिल में सुबह से बर्फबारी, गुरेज में भी हो रही स्नोफॉल, 21 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट। शोपिया में भी बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, कई इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों पर चलना दुश्वार। देश दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबर की डिटेल पड़ताल का, लेकिन सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर होगी मोदी शाह के हुंकार की, विपक्ष पर 370 वाला जो प्रहार है वो होगा। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, कमलनाथ के मन में आखिर क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तीसरी बड़ी खबर है कांग्रेस के चक्रव्यूह में क्या चंपई सोरेन फंस गए हैं, और चौथी बड़ी खबर यह है कि संदेश खाली पर सियासी पारा हाई है, यहां पर लगातार टकराव के हालात बने हैं।
और जो 4 बजे जिन 2 खबरों पर नजर रहेगी, मोदी शाह की हुंकार पर और इसके अलावा कमलनाथ के मन में आखिर क्या है, इन 2 खबरों पर सबसे पहले चर्चा करते हैं, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे भी बने, उनके पास भी जाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से रणनीति बन रही है 2024 की। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरा है। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह और नए विश्वास, नए जोश के साथ काम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने नारा दिया आपकी बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने दावा किया कि आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए बीजेपी को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसके दूसरे और आखिरी दिन समापन भाषण दिया। जो 10 साल की उपलब्धियां रही उस पर विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। इसके साथ ही साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर हमले किए और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 100 दिन है उसमें 400 पार का नारा लेकर कार्यकर्ताओं को एक एक वोटर के बीच जाना है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज जब मैं बीते 10 वर्षों की तरफ नजर डालता तो कितना ही कुछ याद आता है। ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई, चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हम सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी नीरज का। नीरज, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण की बात करें, उन्होंने 10 साल के कार्यकाल की बात की, वर्तमान की बात की और भविष्य की नीतियों की बात की है, कौन कौन से प्रमुख बातें, एजेंडे हैं जो लेकर कार्यकर्ता आज अधिवेशन से जा रहे हैं? देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से सीधे कहा कि ये 100 दिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन 100 दिन में आप मर मिटिए, इन 100 दिन में आप अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि अगर ये 100 दिन आप झोंक देंगे और लोगों तक पहुंच जाएंगे तो हमारी जीत बहुत आसान हो जाएगी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात की कि फर्स्ट टाइमर वोटर से आपको मिलना है। कोई भी ऐसा फर्स्ट टाइमर वोटर नहीं है जिस तक आप ना पहुँचें, हर व्यक्ति तक पहुंचना ही पहुंचना है आपको। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि जिन भी व्यक्ति को, किसी भी इस देश में व्यक्ति को अगर उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है तो उससे कनेक्ट होइए और फर्स्ट टाइमर वोटर, और उनको नमो ऐप पर जाइए और उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, नमो ऐप पर ब्रांड। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, और अगर ये 3 बातें आपने कर ली तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का आंकड़ा पाना कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, आराम से पार किया जा सकता है। इसीलिए जब उन्होंने पूरे भाषण के दौरान केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को उत्साहित करने का काम किया और लास्ट में जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो उस दौरान उन्होंने
सबसे नारे लगवाया कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो ये तीन बहुत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। और उस बीच एक और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अस्थिरता की जननी है और दुनिया जानती है आएगा तो मोदी ही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। और उन्होंने कहा कि केवल हमारे समर्थक ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं 400 पार एनडीए कर रहा है और दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोडमैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण पर जाएं तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से लेकर भ्रष्टाचार की बात हो या जातिगत जनगणना को लेकर जो कांग्रेस मुखर उसकी बात हो, एक एक मुद्दे को चुन चुन कर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। ये निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण की दो मुख्य बातें रही हैं। एक जिसका भी कुछ देर पहले नीरज जिक्र कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने जो है कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनता के बीच में जाना और 400 पार का लक्ष्य, 370 पार का लक्ष्य पहुंचाना है और एनडीए का 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ जिसका भी आपने जो है अभी बयान भी सुनवाया प्रधानमंत्री का, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो विपक्ष की सरकारें रही हैं और खास तौर पर उसमें भी कांग्रेस का, तो कांग्रेस के ऊपर वंशवाद का भी आरोप लगाया है। इससे पहले फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या तमाम ऐसे मुद्दे जिस बात का भी अभी आपने भी जिक्र किया कि सेना के जो पराक्रम के ऊपर सवाल उठाने जैसे मुद्दे, तो प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की है कि एक तरफ देश हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान किस तरीके से देश का अपमान किया जाता रहा है या देश को पीछे ढकेला जाता रहा है, ये बात भी सबके सामने है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के भाषण की एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं 400 पार या मोदी सरकार की बात कर रहा है बल्कि विदेशों से भी ये बात सामने आने लगी है। इसके लिए उन्होंने ने एक उदाहरण दिया, एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरा जो ये जो दूसरा कार्यकाल है अभी खत्म होने वाला, चुनाव होने वाले, लेकिन मेरे पास निमंत्रण अगले 5-6 महीनों के हैं। यानी कि विदेशी जो है लोगों को भी, विदेशों को भी पता है, विदेशी नेतृत्व को भी पता है कि एक बार फिर भारत में मोदी सरकार आ रही है और इसके बाद में पूरे हॉल में या ये कहें कि भारत मंडपम में एक बार फिर मोदी सरकार के नारे लगने लगे। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर से इससे ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ता है। कि हमारे साथ आप बने रहिए, नीरज भी बने हुए हैं। और इसी अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि एक बार फिर से मोदी सरकार आए। पहली बार ये देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान दुनिया में, विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा,
गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर कई सिद्धियां प्राप्त की है, गरीबी से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, जातिवाद से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, तुष्टिकरण से मुक्ति। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ। पीएम मोदी और अमित शाह ने विपक्ष पर हमले के दौरान कई प्रहार किए। राष्ट्रीय अधिवेशन में भाषण के दौरान और उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार शुरू कर दिया है। अपने बेटे के बारे में बताएं, वो कौन सी काबिलियत है बेटे में? बीसीसीआई का सचिव बना दिया है और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का, पहले अपने गिरवान में झांक करके देखें तब वो कांग्रेस के परिवारवाद का बात करें। लोकतंत्र बीजेपी में नहीं है, लेकिन वक्त का इंतजार करना है। अंदर इतना घुटन है लोगों का, और जिस दिन ये भांडा फोड़ेगा वो हालत बीजेपी की होगी कि पार्टी बच नहीं पाएगी। ना हास्यास्पद वक्तव्य वही कर सकते कि झूठ बोलना उनका एकदम खास बात है। परिवारवाद की बात करते हो तो अंतर्मुख होकर देखो तुम्हारे पास कितने परिवारवादी है, वो परिवारवाद खत्म करो। नाम लेकर कहो कि हमने परिवार बंद कर दिया, इसके बेटे को नहीं देंगे, उसको बेटे को नहीं, बोलो तो सही। अरे यहाँ तो वो साथ की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हम दो हमारे दो हैं। और कल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में क्या कह रहे थे, एक अकेला सब प्रभारी। जो ये बातें कह रहे हो वो लोकतंत्र के बारे में क्या कहेंगे? तो इंडिया गठबंधन को लेकर के बीजेपी गलतफहमी में ना रहे, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से और मजबूत हुआ है। चोर कह रहा है कि पुलिस इस तरह नहीं इस तरह काम करती है, लोकतंत्र के जो डकैत हैं, जो हत्यारे हैं, वो हमको परिवारवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे आपके बेटे के बारे में नहीं कहूंगा कि आपका बेटा क्या से क्या हो गया, क्यों नहीं कहूंगा, इसलिए कि आप उस परिवार का हिस्सा हैं। इस मुंह से इस तरह का जवाब कतई अमित शाह जी आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता। अब बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ ने कहा है कि उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि कल से ही कमलनाथ दिल्ली में हैं और आज शाम बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक तेरहवीं में जा रहा हूँ। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है, मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। तो सुना आपने कमलनाथ को, वो इनकार भी नहीं कर रहे लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी किसी से बात नहीं हुई। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जैनेन्द्र जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया है, कल वो कह रहे थे जैसा होगा बता दूंगा, आज कह रहे हैं कि किसी से कोई बात नहीं हुई है, असल में स्थिति क्या है? देखिए, वो ये तो कह रहे हैं कि किसी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से खंडन भी नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी में उनके जाने की जो चर्चाएं हैं वो सही हैं या नहीं है। देखिए, पर्दे के पीछे कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की बीजेपी में जाने की जो है चर्चा है, और बताया जाता है कि इसको लेकर के उनकी कई नेताओं से, बीजेपी के आला नेताओं से बात भी हो चुकी है। हालांकि तमाम पहलुओं पर विचार चल रहा है, ये बताया गया सोर्सेज के हवाले से और कमलनाथ के नज़दीकी सूत्रों के हवाले से कि कमलनाथ और अपने बेटे नकुलनाथ के साथ और तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और वो जो समय है वो बताया जा रहा है कि आज शाम को ही वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कल के लिए भी दावा कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सिर्फ
कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो, कमलनाथ बीजेपी में शामिल ना हो। और इसका एक उदाहरण कांग्रेस में एक और है, अनिल एंटनी जो एके एंटनी के बेटे हैं। वो अनिल एंटनी तो बीते दिनों में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन एके एंटनी अभी भी कांग्रेस में शामिल हैं। तो क्या एंटनी मॉडल की तर्ज पर कमलनाथ खुद तो नहीं जाएंगे लेकिन बेटे को बीजेपी में शामिल करवाएंगे, या फिर दोनों ही बीजेपी में शामिल होंगे? फिलहाल ज्यादा संभावना यही है कि कमलनाथ की बीजेपी नेताओं से बातचीत हुई है और बीजेपी में शामिल होने को लेकर के अंतिम जो औपचारिकताएं हैं वो शेष हैं। बिल्कुल, इसी वजह से औपचारिकताएं शेष हैं और तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ खेमे के विधायकों पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कई विधायक कमलनाथ के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि विधायक कमलनाथ से आश्वासन चाहते हैं और लखन घनघोरिया का जो बयान आया था वो इस तरफ थोड़ा संकेत भी कर रहा था। वो ये कह रहे थे कि कमलनाथ ऐसा नहीं करेंगे, जबकि उनके बेहद करीबी विधायक माने जाते हैं। और भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो कमलनाथ के साथ जाने के पक्ष में नहीं है और सूत्र बता रहे हैं कि विधायक कमलनाथ से आश्वासन चाहते हैं। हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आए थे, सरकार बनी तो उनके खेमे के जो विधायक थे उनको अच्छा खासा वहां पर तवज्जो मिली, मंत्री बने और तमाम चीजें हुई, क्या वही पूरी चीजें कमलनाथ के जो करीबी हैं विधायक हैं वो चाहते हैं? क्योंकि सियासी वजूद का भी सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। जो हमें कयास, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि करीबन 10-12 विधायक उनके साथ जा सकते हैं, ये बड़ी रेलिवेंट इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल्स ने, सोर्सेस ने मुझे बताया है कि उनमें से कई विधायक ऐसे हैं जो कमलनाथ के साथ अभी तक जाने के लिए उन्होंने हामी नहीं भरी है। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है कि वो अश्योरेंस चाहते हैं कि उनको भी उसी तरह से अकोमोडेट किया जाए। जब सिंधिया, आपने बिल्कुल सही हवाला दिया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे तब उन्होंने एक तरह से एक सरकार भाजपा को तोहफे में दी थी और उन सभी विधायकों का ख्याल रखा गया था। यहाँ पर अभी तक इन विधायकों को कोई कॉन्क्रीट अश्योरेंस नहीं है। कुछ विधायक ज़रूर हैं जो आंख बंद करके कमलनाथ के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ और विधायकों जिनको वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं अभी तक वो कन्विंस नहीं है, तो बात कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी फंस रही है। दूसरा, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर रहे थे, हम सभी जानते हैं, सभी को पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोई बहुत खुश नहीं होंगे इस फैसले से। इसके बावजूद हमें सोर्सेज से ये इंडिकेशन थी कि आज शाम को 5 बजे का वक्त था जब कमलनाथ को अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल होना था, संभव है आज नहीं तो कल तक इसकी औपचारिकता हो जाए। बिल्कुल, इन सबके बीच एक और अपडेट है। कमलनाथ पर दिग्विजय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी से मेरी बातचीत हो रही है, कांग्रेस नेतृत्व भी बात कर रहा है और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि ईडी सीबीआई का उन पर दबाव हो सकता है। तो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि दिग्विजय, जो कमलनाथ हैं, उनसे बात हो रही है लेकिन वो दबाव में है। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे, कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्री बनकर, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी का दबाव हो सकता है, आईटी का दबाव हो सकता है। जैनेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैनेन्द्र, जिस तरीके से कमलनाथ का कद सियासत में है और जितने बड़े वो नेता हैं, उन्होंने ही केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ को बचाकर रखा था। अगर ये फैसला कमलनाथ आज या कल ले लेते हैं तो कांग्रेस के सामने ईडी आईटी का नाम लेने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं बचता कि आखिर कैसे वो क्या फेस करेंगे जनता को कि उनका जो सहयोगी है वो छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस से जब भी कोई बड़ा नेता छोड़कर जाता है, चाहे बीते दिनों में अशोक चौहान हो या फिर अब कमलनाथ की चर्चा हो रही है या उसके पहले भी जो नेता छोड़ के गए, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के तमाम नेताओं का उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस सीधा आरोप लगाती है कि ये सब लोग जो है वो बीजेपी सरकार द्वारा ईडी और आईटी के कह सकते हैं कि जाल में उलझाया गया उन्हें और फिर उन्हें तोड़ा गया। तो एक बार फिर वो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। जो दिग्विजय सिंह कल तक ये कह रहे थे कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे, वो सीधे संपर्क में,
अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं और ईडी की तरफ अपने तर्क को लेकर जा रहे हैं। एक बार जब औपचारिकता हो जाएगी तो मानकर चलिए कि कांग्रेस की तरफ से पहला बयान यही आने वाला है कि ईडी और आईटी के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा है। लेकिन जाहिर है ये बहुत बड़ी किरकिरी होने वाली है। बयान हर नेता के जाने के बाद आते हैं। कमलनाथ को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। संजय राउत ने जहां कमलनाथ को घेरा तो बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा ने भी बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार चले गए, क्या फर्क पड़ता है? ये जो डरपोक लोग होते हैं जिसने पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाया है, वो ईडी के डर से जाते हैं। बेईमान बेवफा लोग होते हैं ये। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सेबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होगे मध्य प्रदेश में तब पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। देखिए, कमलनाथ जी का जो मैं सुन रही हूँ वो यही है कि उनको इस बात से तकलीफ है कि मध्य प्रदेश की हार उनका टीकरा उनके सर पे फोड़ा गया। और भारतीय जनता पार्टी का हृदय बहुत बड़ा है। नीतीश जी चले गए, वापस आए, ले लिया, वो आना चाहते आए। हमारे लिए कोई ज्यादा अंतर भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी मोदी में है और पूरा देश मोदी में है, तो कोई बहुत ऐसा नहीं। लेकिन जो आना चाहता है उसके लिए दरवाजे पार्टी खोलती है और अगर आएंगे तो उनका स्वागत होगा। तो कमलनाथ भले ही अभी खुलकर बीजेपी में जाने को लेकर नहीं बोल रहे, लेकिन उनके नाम पर सियासत बहुत खुलकर बोल रही है, मुखर हो गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।